सो सिलेंडर के पार्ट में एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये जो सिलेंडर है बोर होकर आया है और इसके साथ एक ऐसा पिस्टन आता है। मैंने यूज़ किया है उषा कंपनी, मतलब लेद वाला यूज़ कर रहा था उषा कंपनी का पिस्टन का। सो यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं, मैंने बोला था 2.25 का निकल, बट उसने 0.50 का बोर करा दिया। ठीक है, देख सकते हैं उषा कंपनी लिखा है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे बोर किया है और कैसे सही किया है कि सही गलत किया है, वो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। फिर ये जो आपका वीडियो तो बन रहा है, इसके ऊपर जो सिलेंडर है वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो इस पार्ट में हम बात कर लेंगे कि कैसे आपको पिस्टन का मतलब पिन कैसे बिठाना है, रिंग बिठाना है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसमें बेसिकली एक दो लॉक आता है, ठीक है, और इसके साथ आपका देख सकते हैं 0.50 साइज के आपको पिस्टन आता है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बजाज बॉक्सर का, ठीक है, पिस्टन, ठीक है। और इसमें इसमें भी लिखा है, देख सकते हैं 0.50, ठीक है, ये रखते हैं साइड में। और इसके साथ एक देख सकते हैं गजन पिन आता है, ठीक है। और जो मेन पार्ट आता है वो है 0.50 पिस्टन के लिए बोर हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं रिंग आता है। सो आज ही इस वीडियो में रिंग कैसे बिठाता है वही हम दिखाने वाले हैं। इसके अंदर अब कुछ नहीं आता है, देख सकते हैं। और इसका प्राइस की बात करें, प्राइस तो बहुत ज़्यादा लिखा है, ठीक है, शायद 800 समथिंग कुछ लिखा है, बट ये आपको आराम से मुझे तो मिला है 550 रुपीज़ में, ठीक है। इसको सिलेंडर को ओपन करते हैं, बोर कैसे किया है वो देखते हैं। सो दिस इज द स्टॉक सिलेंडर, इसमें बोरिंग हुआ है, देख सकते हैं। फिनिशिंग देखिए, मतलब जितने भी बोर किए बहुत अच्छी तरीके से बोर किया है, ठीक है। इसको फटाफट इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं। सो पहले हम चेक करेंगे इसमें बोर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। सो पहले हम पिस्टन को डालेंगे। सो पहले एक काम करिए, इसमें जो है थोड़ा सा लीव कर दीजिए, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं चलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लीव कर देंगे। अब पिस्टन में भी हम थोड़ा सा लीव करेंगे, ठीक है। अब जो एग्जॉस्ट साइड है देख सकते हैं इसको, दिस इज़ द इनटेक साइड, मतलब आप यहाँ पे आपका चेन टेंशनर होता है, तो दिस इज़ द इनटेक साइड। तो ऐसे फिटिंग करना है, देख लीजिए इस तरीके से, देखिए पिस्टन जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, अभी इसमें लुब्रिकेशन भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। सो मैं भी यही चाहता था कि पिस्टन बहुत ज़्यादा टाइट हो, और पिस्टन देख सकते हैं मूव तो कर रहा है फ्रीली, ठीक है, बट इसमें प्ले नहीं है, देख लीजिए। पहले जो पिस्टन था उसमें प्ले था, बट इसमें ज़रा सा भी प्ले नहीं है, मतलब एकदम हल्का फुल्का, आपको समझ में नहीं आएगा। इसको बाहर निकालते हैं, बाहर भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। ओके, ठीक है, ये रहा पिस्टन। सो पिस्टन को प्ले कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, ज़रा सभी प्ले इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ज़ीरो प्ले होना चाहिए, ठीक है। जो ही जिसने भी बोरिंग किया बहुत अच्छी तरीके से बोरिंग किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिंग आता है। सो रिंग का क्या फासला होता है, जो कार वगैरह होता है उसमें रिंग होता है, चार दो कंप्रेसर रिंग है, फिर तीन कंप्रेसर रिंग, जो भी डीजल गाड़ी आते हैं उसमें शायद तीन कंप्रेसर रिंग होगा, क्योंकि डीजल गाड़ी में क्या होता है कंप्रेसर ज़्यादा रहता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे टॉप वन में, सो दिस इज द बेसिकली, यहाँ पे दो कंप्रेसर रिंग आते हैं बाइक में, ठीक है, अभी तक तो मैंने बाइक में दो ही देखा है। सो यहाँ पे देख लीजिए, दो हार्ड जो रिंग है वो कंप्रेसर रिंग होता है, और इसमें लिखा भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए उषा लिखा है, 50 साइज का, मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड से 50 साइज नंबर आपका पिस्टन 0.50 mm ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए टॉप टू, सो इसको हम चेक नहीं करना है। जो टॉप वन आता है इसमें भी लिखा है, देख सकते हैं इसमें भी लिखा है टॉप वन और वन उषा 50। सो इसको चेक करने से इसमें मतलब मिनिमम प्ले होना चाहिए, सो इसको पहले बिठाते हैं। सो जो टॉप लिखा है, ठीक है, जो टॉप साइज लिखा है वो उल्टी साइड मतलब ऊपर तक की तरफ रहेगा। इसको कैसे फिटिंग करना है देखिए, इसको जस्ट इस तरीके से डालना है, इस तरीके से बस। और जो पिस्टन था इसको जस्ट आपको चेक करने के लिए बस, इसमें देखिए रिंग का
गैप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको कैमरे में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल मिनिमम सा गैप है, ठीक है, बिल्कुल पतला सा गैप है, जो कि बिल्कुल सही है। तो जिसने भी पिस्टन बोरिंग किया है, बहुत मुझे बहुत पसंद आया, इस पिस्टन को निकालते हैं। ऐसे आपको चेक करना चाहिए कि आपका जो है बोर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इसमें गैप ज़्यादा रहेगा, आपका कंप्रेशन लीक करेगा और बोरिंग आपका रीबोरिंग करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, तो पिस्टन को कैसे फिटिंग करते हैं, तो देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप ल्यूब कर दीजिए, ये जो इसको बोलते हैं पिस्टन का ग्रूव, इसमें ऑयल मतलब आपका रिंग फिटिंग होता है। सो ग्रूव में हम बिठाने वाले हैं, ठीक है। सो देख सकते हैं, इस साइड आपको रिंग नहीं बिठाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा वाला जो है कन्वर्टर साइड लगेगा। सो पहले हम ऑयल रिंग फिटिंग करते हैं। इसमें से देख सकते हैं, ये वाला आपका ऑयल कंप्रेसर रिंग, ऑयल कंप्रेसर लोग ऑयल स्कैपर रिंग बोलते हैं। और बाकी जो पतले पतले इसमें सपोर्टिंग रिंग आते हैं, वो भी ऑयल स्कैपर के साथ ही काम करते हैं, बट इसको सपोर्टिंग रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करिए, पहले ये जो आपका रिंग बिठाने का सबसे आसान तरीका देखिए, पहले कोई भी रिंग ले लीजिए, पतला पतला वाला, देख सकते हैं जिस तरह मुंह कर रहा है, मतलब जिस तरह का मुंह कर रहा है उसी तरह आपको मुंह लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह मतलब देख सकते हो, मतलब ऊपर की तरफ मुंह हो रहा है, सो आपको ऐसे ही लगा देना है। सो पहले हम लगाते हैं, चलो। और एक आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, मतलब मुंह किस तरफ लग रहा है। और ये पे देख सकते हैं, मोटा वाला ग्रुप जो है, इसमें आपका तीनों ऑयल रिंग बटेगा, और जो 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 छोटे छोटे ग्रुप इसमें आपका कंप्रेशन रिंग बटेगा। सो पहले हम इसमें लगा देते हैं, फिटिंग करते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से। सो ये आपका पहला फर्स्ट जो रिंग है वो लग गया। अब जो जाली वाला रिंग आता है, सो देख सकते हैं इसको कैसे लगाना है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे देख लीजिए, ये डब्लू बन रहा है, डब्लू नहीं बनना चाहिए, ठीक है, इसके एम बनना चाहिए। मतलब आपको इस तरह बराबर घुमाएंगे, देख लीजिए, ये एम बन रहा है ना, इस तरह से एम बन रहा है। सो आपको एम बनने के तरफ ही लगाना चाहिए, इस तरीके से लगाना चाहिए, उल्टा लगाएंगे तो आपका काम प्रॉपर से नहीं करेगा। सेम बन रहा है, सो हम इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से लगा देंगे। पहले जो रिंग था उसके ऊपर उसी ग्रूव में ये वाला रिंग लगाना है, तो देख सकते हैं इसके नीचे जो है इसका रिंग लग गया। अब जो सेकंड रिंग आता है, इसका मुंह देखिए, नीचे की तरह मुंह हो रहा है, सबको नीचे की तरह भी लगाना पड़ेगा, और वो हम लगाएंगे ये जो जाली वाला रिंग है, येलो रिंग के ऊपर उसी सेम ग्रुप में। ठीक है, और इसमें ज्यादा मोड़ने की सबको जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना टेंशन खो सकता है, से गलत ग्रुप में चला गया, इसको निकालना पड़ेगा। प्रॉपर तीनों रिंग लग गया है, देख सकते हैं, एक नीचे सपोर्टिंग रिंग, ठीक है, उसके ऊपर जाली वाला, फिर उसके ऊपर सपोर्टिंग रिंग। तो इसका मुंह कैसे कर, मतलब किस तरह ओपनिंग करने की करना है वो इस वीडियो के मतलब ये वाला रिंग लगा लेते हैं, फिर हम बताएंगे। अब जो है इसमें टॉप टू कौन सा है, देख लीजिए, टॉप टू यहाँ पे लिखा है, देख सकते, टॉप वन ये वाला नहीं, पहले टॉप टू आपको लगाना पड़ेगा। सो दिस इज टॉप टू, सो टॉप टू जो है ऊपर की तरफ लिखा है ना, ऊपर की तरफ रहेगा, और टॉप टू जैसे लिखा है, देख सकते हैं इसमें दूसरे नंबर ग्रुप में लगेगा। पहले आप दूसरे नंबर ग्रुप में लगाइए, इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। फिर एक गलत ग्रुप में लगा, देख सकते हैं एक ग्रुप इसमें चला गया, एक ग्रुप इसमें, इसको फिर से निकालना पड़ेगा। और ये आपका दूसरे नंबर ग्रुप में देख सकते हैं, टॉप टू वाला लिंक चला गया, और इसमें लिखा भी है, देख सकते हैं,
मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं टॉप टू, ठीक है ऊपर की तरफ रखें, और इसमें जो लास्ट है ये सबसे मेन कंपोजिशन का होता है, ठीक है। और इसमें भी लिखा है देख सकते हैं, जो लिखा वाला सिला है वो ऊपर की तरफ रहेगा, लिखा है टॉप वन वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। सब रिंग प्रॉपर से फिटिंग हो चुका है, अब आपको क्या करना है, मैं आपको ओपनिंग बता दूँ किस तरीके से रखना है। सो उसके लिए मुझे एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगा। सो रिंग हमने बिठा दिया, किस तरीके से बिठा देख सकते हैं। सो मेक श्योर मैंने जो लाइन खींचा है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें और इसमें एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट सॉरी एग्जॉस्ट और इनटेक में कोई भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए, और उस साइड इसको जो स्कार्ट बोलते हैं गजन पिन होता है, इसमें और इसमें भी कोई ओपनिंग नहीं होना चाहिए। सो मैंने देख सकता टॉप वन जो सबसे मोटा रिंग आता है ऊपर का, इसका मैंने ओपनिंग रखा है क्योंकि इधर साइलेंसर लगता है, ठीक है इधर साइलेंसर लगता है एग्जॉस्ट। सो मैंने ओपनिंग रखा है इधर इस साइड में, और उसके ठीक 90 डिग्री एंगल पे, सॉरी 180 डिग्री एंगल पे मैंने रखा है टॉप टू देख सकते हैं, ये वाला नीचे वाला टॉप टू का ओपनिंग इधर रखा है। मेक श्योर ये गजन पिन इसके सीध में नहीं आना चाहिए, स्कार्ट इसमें मतलब हो सकता है। और ठीक उसी तरह जो ऑयल रिंग है तो ऑयल का सपोर्टिंग रिंग देख सकते हैं, इसका मैंने ओपनिंग रखा है सबसे ऊपर वाला इधर रखा है, और उसके जाली वाला रिंग का ओपनिंग मैंने किधर रखा है देखिए, इधर इधर रखा है जाली वाला रिंग का ओपनिंग देख सकते हैं, इस कार्ट में जो इनटेक है इसमें रखा है, और जो लास्ट में सपोर्टिंग रिंग आता है उसका मैंने ओपनिंग रखा है देख सकते हैं ये वाला इसमें। सो ये हो गया आपका टॉप वन, उसके ठीक विपरीत टॉप टू, ऑयल वन ऊपर वाला, ऑयल टू इस साइड नीचे वाला, और जो मेन जाले वाला रिंग आता है उसका ओपनिंग मैंने रखा है इधर। सो इस तरीके से मैंने रिंग फिटिंग के सबसे आपका बेस्ट कंप्रेशन आएगा ही आएगा। सो इसको पहले फिटिंग करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको बताया था कैसे कैसे फिटिंग करना है, तब हम जब वो वाला पार्ट उसके बाद बाद का पार्ट करेंगे तो उसमें हम पिस्टन में एंडिंग ऐसे ऐसे ही एडिटेड फिटिंग करना है। सो कैसे फिटिंग करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो ऐसे वीडियो की इंटरेस्टिंग बताने प्यार देते रहिए, और इस वीडियो में एंड करते हैं यहाँ पे। सो गजन पिन अभी लगाना नहीं वाला है, सो बस जब कनेक्ट लगाएंगे तब हम लगा देंगे। सो और इसको प्रॉपर ल्यूब करते जाइए क्योंकि ये ड्राई रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, वंदे मातरम।